हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेडिको नर्सिंग क्लासेस। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, पिछले कुछ दिनों से कंटिन्यूअसली मेडिको नर्सिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल के ऊपर मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग से रिलेटेड एक क्रेश कोर्स है वो डिज़ाइन किया, वो एक वेल डिज़ाइन क्रेश कोर्स है वो कंटिन्यू किया जा रहा है। तो आज की क्लास भी हमारी मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के क्रेश कोर्स से ही रिलेटेड रहेगी। तो चलिए बिना देरी किए हम आज की क्लास शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने देखा था कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम, लास्ट क्लास के अंदर हमने शुरू कर लिया था हमारा कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम। ठीक है स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हमने पढ़ लिया था कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम। तो कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम हमने जैसे ही पढ़ा, तो धीरे धीरे हम उसके कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम के जो डिसऑर्डर्स हैं उनके बारे में भी हम स्टडी करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, तो कल की क्लास में हमने देखा था सेंट्रल वीनस प्रेशर के बारे में कि क्या होता है, कैसे चेक किया जाता है, कहाँ से ये मेजर किया जाता है। नेक्स्ट वन है कार्डियक डिसअरिथमिया, हमने शुरू किया था। तो कार्डियक डिसअरिथमिया के अंदर हमने बहुत सारे जो टाइप्स हैं उनके बारे में वन बाई वन हम डिस्कस कर रहे थे, तो उसी का कंटिन्यूशन करते हैं। तो साइनस टेकिकार्डिया मैंने कल आपको एक्सप्लेन कर दिया। किसी भी स्टूडेंट को अगर लास्ट क्लास रिलेटेड कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट वन साइनस टेकिकार्डिया की ईसीजी का मैंने आप लोगों को डायग्राम दिखा करके समझाया था कि साइनस टेकिकार्डिया की जो ईसीजी है वो किस प्रकार से काम कर रही है, ये भी मैंने आप लोगों को समझा दिया है। ठीक है स्टूडेंट, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट हमने बात करी थी साइनस ब्रेडिकार्डिया की। साइनस ब्रेडिकार्डिया की बात करी तो साइनस ब्रेडिकार्डिया के बारे में मैंने आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन किया था, कर ईसीजी शो कर दी थी। आज का हमारी क्लास का पहला जो टॉपिक है, जहां से हमारी क्लास आज की शुरू होती है, वो है एट्रियल फिब्रिलेशन। आज की हमारी क्लास शुरू होती है एट्रियल फिब्रिलेशन। तो एट्रियल फिब्रिलेशन क्या होता है? ठीक है, एट्रियल फिब्रिलेशन, एट्रियल फिब्रिलेशन एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर क्या होता है, जो हर्ट है वो बहुत ज्यादा तेज गति से और इरेगुलर हर्ट बीट है वो हो जाती है। ठीक है, हर्ट क्या करता है, बीट करता है रैपिडली और इरेगुलरली। रैपिडली का मतलब है सो मच फास्ट, इरेगुलर मतलब नॉट इन एन सिंक्रोनाइज्ड, नॉट इन ए सिंक्रोनाइज्ड रिदम, नॉट इन ए सिंक्रोनाइज्ड रिदम की सिंक्रोनाइज्ड रिदम के अंदर हर्ट वो क्या नहीं करता है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता है, तो वो कंडीशन क्या कहलाती है, एट्रियल फिब्रिलेशन। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे, कोरिलेट कर पा रहे होंगे इन चीजों को। नेक्स्ट है कि एट्रियल फिब्रिलेशन के अंदर जो हर्ट रेट है, एट्रियल फिब्रिलेशन के जो हर्ट रेट है वो कितनी चली जाती है, 400 और मोर, 400 से 400 या 400 के ज्यादा चली जाती है। इसका मतलब है कि अब सोचो एक बार कि जो ऑर्गन एक मिनट में एवरेज 72 या फिर 80 बीट करना चाहिए, 80 बीट इन वन मिनट, इन वन MINUT, वन मिनट, एक मिनट के अंदर वो कितनी देर, कितनी बार धड़कना चाहिए था, मैक्सिमम एन एवरेज 80 बार धड़कना चाहिए था, और वही ऑर्गन एक मिनट के अंदर 400 या 400 से ज्यादा बार धड़क रहा है या बीट कर रहा है। इसका मतलब है कि ये जो हर्ट बीट है वो आप काउंट भी नहीं कर पाओगे, समझ में नहीं आएगा कि फड़फड़ा रहा है, क्या कर रहा है ये। ठीक है, इतनी तेज गति से फड़फड़ाने लग जाता है हर्ट, तो ये कंडीशन है। ठीक है, तो हर्ट बीट है वो क्या हो रही है, बहुत ज्यादा तेज गति से हो गई, साथ ही साथ उसकी जो रिदम थी, नॉर्मल जो रिदम चल रही थी वो रिदम उसकी नहीं रही, तो वो कंडीशन क्या कहलाती है, एट्रियल फिब्रिलेशन। ये यहाँ पर एक नाम आ रहा है एट्रियल फिब्रिलेशन। तो स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, एट्रियम का मतलब हो गया यहाँ पे ओनली इन्वॉल्विंग इन एट्रियम ऑफ हर्ट, एट्रियम ऑफ हर्ट, इसने क्या किया, हर्ट के एट्रियम को इन्वॉल्व किया है। सेकेंडली इसने क्या किया, फिब्रिलेशन। ठीक है, एट्रियल फिब्रिलेशन का मतलब हो गया टू मच रैपिडली और फास्टली इन एन इरेगुलर रिदम, इन एन इरेगुलर रिदम, इन एन इरेगुलर रिदम की इरेगुलर रिदम के अंदर क्या होता है, एट्रियल फिब्रिलेशन की कंडीशन के अंदर क्या होता है, हर्ट का जो एट्रियम है, दोनों एट्रियम, ठीक है, दोनों चैम्बर, अपर चैम्बर दोनों का क्या नाम होता है, क्या नाम है, एट्रियम। ठीक है, नॉर्मली हम एक हर्ट का डायग्राम ड्रॉ करते हैं,
हम हर्ट का डायग्राम ड्रॉ करते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम डायग्राम बना रहे हैं, ना कि यहाँ पे कोई बहुत ही अच्छा है कोई ऐसा डायग्राम बना रहे हैं। ये हो गया राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये इतने मैंने बना दिए। ठीक है, अब ये जो एट्रियल फिब्रिलेशन की जो कंडीशन है स्टूडेंट, ये इस चैम्बर में है और इस चैम्बर के अंदर अराइज हो रखे, यानी कि ये वो अपर जो चैम्बर है वो क्या कर रहे हैं, टू मच रैपिड, बहुत ज्यादा स्पीड से वो क्या कर रहे हैं, बीट कर रहे हैं, टू मच बीट, टू मच पास, साथ के साथ इरेगुलर, इरेगुलर हार्ट बीट, ये कंडीशन आपको देखने को मिलेगी इन केस ऑफ एट्रियल फिब्रिलेशन। एट्रियल फिब्रिलेशन का मतलब हो गया कि केवल ये जो फिब्रिलेशन की कंडीशन है, फिब्रिलेशन की कंडीशन का मतलब अगर कोई आपसे इंडिविजुअल मीनिंग पूछे किसी भी वर्ड का, कि एट्रियम का मीनिंग तो सबको पता है, फिब्रिलेशन का मीनिंग क्या होता है, फिब्रिलेशन का मीनिंग होता है कि जो बीट होती है, हार्ट बीट होगी, वो बीट बहुत ज्यादा फास्ट होगी, इवन मोर देन 400, 400 इक्वल टू 400 और मोर देन 400 के अराउंड आपको देखने को मिलेगी। साथ ही साथ हो सकता है कि वो जो रिदम है हार्ट की वो भी चली जाए, रिदम ऑफ, रिदम का मतलब एक जो एक सिंक्रोनाइज्ड वे चल रहा था हार्ट का, कॉन्ट्रेक्शन, एट्रियल कॉन्ट्रेक्शन, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रेक्शन, कंप्लीट हार्ट रिलैक्सेशन, ये सारा जो कॉन्ट्रेक्शन का जो रिदम थी वो टूट जाती है। ठीक है, अब 400 बीट एक बार जस्ट इमेजिन करके देखो कि 400, अगर एट्रियम अगर 400 बार बीट कर रहा है तो क्या सीन क्या हो रहा होगा, सोचो एक बार जस्ट इमेजिन करके देखो कि क्या सीन वहां पे हो रहा होगा। तो ये एक ऐसी कंडीशन है एट्रियल फिब्रिलेशन जिसके अंदर क्या होता है, हार्ट के जो एट्रियम है वो बहुत ही स्पीड से बीट करते हैं, बहुत ही तेज गति से बीटिंग होती है, साथ के साथ उसके अंदर क्या होता है, इरेगुलर बीट करते हैं, इरेगुलर बीट करते हैं, उसकी वजह से रिदम है वो हो जाती है। और ये जो ये सारे किसमें कंसिडर किए जाएंगे स्टूडेंट, ये होंगे कार्डियक डिसरदमिया, कार्डियक डिसरदमिया, ये सारे के सारे कार्डियक डिसरदमिया की कंडीशन के अंदर क्या किए जाएंगे, कंसिडर किए जाएंगे। अब इनका मैनेजमेंट के लिए क्या जरूरी होता है, अब इनके मैनेजमेंट के लिए सबसे पहले है रिक्वायर्ड इमीडिएट कार्डियोवर्जन, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट, रिक्वायर्ड इमीडिएट कार्डियोवर्जन। अब यहाँ पे सवाल आ जाता है कार्डियोवर्जन क्या होता है भाई, सवाल आ जाता है कि कार्डियोवर्जन क्या चीज है, तो इमीडिएट कार्डियोवर्जन रिक्वायर्ड होता है। कार्डियोवर्जन की बात करते हैं स्टूडेंट, पहले थोड़ा सा आपको बेसिकली समझाते हैं। वैसे तो आपने कार्डियोवर्जन तो आपने मूवी में बहुत देख रखा है, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा हम आपको बताते हैं, क्या बात करनी है, मैं बात करनी कार्डियोवर्जन की, कार्डियोवर्जन, कार्डियोवर्जन का मतलब है एक्सटर्नली हम क्या करते हैं, हार्ट को एक शॉक प्रोवाइड करवाते हैं, एक्सटर्नली, एक्सटर्नली एप्लीकेशन ऑफ लो वोल्टेज, एप्लीकेशन ऑफ लो वोल्टेज करंट, लो वोल्टेज करंट, लो वोल्टेज करंट हम अप्लाई करते हैं। आपने देखा होगा मूवियों के अंदर, जल्दी से डिफिब्रिलेटर लेकर के आओ, डिफिब्रिलेटर अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेडिको नर्सिंग क्लासेज यूट्यूब चैनल के शॉर्ट सेक्शन में जाकर के आप डिफिब्रिलेटर उसकी इमेज देख सकते हैं। ठीक है, वहां पे मैंने पहले से, बहुत टाइम हो गया होगा इस टाइम की बात को, तो साल भर होने को आ गया होगा, पहले से ही अपलोड कर रखी है। ठीक है, तो वहां पर जाकर के आप देख सकते हो। अब यहाँ पर ये चीज है कि कार्डियोवर्जन क्या चीज है, कार्डियोवर्जन का मतलब होता है एक्सटर्नली हम डिफिब्रिलेटर का यूज करके हार्ट को क्या देंगे, शॉक देंगे, जिसकी वजह से हम कार्डियोवर्जन के थ्रू हम ये ट्राई करना चाह रहे हैं ताकि जो हार्ट के अंदर जो इरेगुलर इम्पल्सेज ट्रांसमिट हो रही है, भाई आप लोगों को मैंने कल की क्लास में मैंने यही समझाया था कि जो कार्डियक डिसरदमिया है, कार्डियक डिसरदमिया है, उसका जो मेन रीजन क्या है, उसका मेन रीजन है अबनॉर्मल, अबनॉर्मल डिस्चार्ज ऑफ, अबनॉर्मल डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेज, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेज फ्रॉम एसए नोड,
एनओडी, ऐसे नोड, एवी नोड, अब नॉर्मल इलेक्ट्रिकल इंपल्स का डिस्चार्ज एंड ट्रांसमिशन, यहाँ पे एक और वर्ड ऐड कर सकते हैं हम, ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन का मतलब है कि ऐसे नोड जनरेट कर रहा है, उसने वही इंपल्स क्या कर दिए, एवी नोड को ट्रांसफर कर दिए, एवी नोड ने क्या किया, बंडल ऑफ इसको किया, उसके बाद चले गए वो पुरकिंजे फाइबर्स के पास। तो उस कंडीशन के अंदर क्या हो जाता है स्टूडेंट, पूरे हार्ट की जो रिदम है वो गड़बड़ा जाती है, और उसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, कार्डियक डिसरिदमिया। तो कार्डियो वर्जन के अंदर हम क्या करेंगे, इन केस ऑफ कार्डियो वर्जन हम क्या करते हैं, एक्सटर्नली शॉक प्रोवाइड करते हैं, लो वोल्टेज करंट। नॉर्मली हम क्या करते हैं, ये होता है दो प्रकार का होता है, मोनोफेजिक और एक होता है बाईफेजिक। मोनोफेजिक और बाईफेजिक दो प्रकार का होता है, क्या होता है जो आपका कार्डियोवर्जन होता है। मोनोफेजिक में हम एक इलेक्ट्रिकल पैड का यूज करते हैं, बाईफेजिक में हम दोनों इलेक्ट्रिकल पैड का यूज करके करंट अप्लाई करते हैं। अब इनके अंदर नॉर्मली एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन आ जाता है आजकल कि इनके अंदर हम कितनी एनर्जी का यूज करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं 200 जूल से, ठीक है, 200 जूल, उसके बाद जाते हैं सीधा 320 जूल, और उसके बाद जाते हैं लास्ट हमारा जो एनर्जी का लेवल रहता है वो होता है 360 जूल। ठीक है जी स्टूडेंट्स, ये एनर्जी का लेवल रहता है। तो हमें कार्डियोवर्जन करना पड़ेगा इन केस ऑफ एट्रियल फल्टर। एट्रियल फल्टर की कंडीशन के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, कार्डियोवर्जन। और कार्डियोवर्जन क्या होता है वो मैंने आप लोगों को अच्छे से समझा दिया है। कार्डियोवर्जन डिफिब्रिलेटर के साथ किया जाता है, एक्सटर्नली हम क्या करते हैं इलेक्ट्रिकल शॉक है वो प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर काम करेंगे यहाँ पे, तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर क्या करेंगे, नॉर्मली आप सब जानते हैं कि कैल्शियम जो इलेक्ट्रोलाइट है वो क्या करता है, नर्व इंपल्स के कंडक्शन के अंदर भी हमारी क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, ये मेडिकेशन ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करेंगे, साथ के साथ जो हार्ट की रिदम है उसको भी कंट्रोल करने का काम करती हैं। नेक्स्ट वन है बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर से एंटी हाइपरटेंसिव, इन दोनों को हम कंबाइन रूप से कह सकते हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, दिस इज एन एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। नेक्स्ट वन है एंटी कोएगुलेंट टू डिक्रीज द रिस्क ऑफ एम्बोलिज्म, एंटी कोएगुलेंट टू डिक्रीज द रिस्क ऑफ एम्बोलिज्म। एक बार जस्ट इमेजिन करके देखो, अगर हार्ट के एट्रियम 400 बार बीट कर रहे हैं 1 मिनट के अंदर, तो क्या वहां से ब्लड निकल सकता है, नहीं, ब्लड को निकलने के लिए भी तो टाइम चाहिएगा स्टूडेंट। तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, ब्लड का क्या हो जाएगा, स्टेसिस हो जाता है वहां पे। ठीक है, ब्लड का क्या हो जाएगा, स्टेसिस, ड्यू टू टू मच बीटिंग, टू मच एंड इरेगुलर हार्ट बीट, इरेगुलर हार्ट बीट, द ब्लड विल स्टे इन स्टे और स्टेसिस ऑफ ब्लड इज अकर्ड, स्टेसिस ऑफ ब्लड इज अकर्ड। और हम सबको पता है कि रुका हुआ तो पानी भी खराब हो जाता है, इसलिए ब्लड अगर एक जगह रुक गया तो वो क्या कर देगा, अपने आप को क्लोट बनाना शुरू कर देता है। ठीक है, तो अब उस क्लोटिंग को, ठीक है, से ब्लड स्टेसिस ऑफ ब्लड विल लीड टू, जो स्टेसिस ऑफ ब्लड है वो लीड्स टू, वो क्या करेगा, लीड्स टू कोएगुलेशन, स्टार्ट कोएगुलेशन प्रोसेस, स्टार्ट कोएगुलेशन। अब अगर ब्लड का क्लोट हो जाता है स्टूडेंट, तो वहां पे बहुत सारी गंभीर परेशानियां हमारे लिए रूप ले लेंगी, गंभीर परेशानियां हमारे सामने आ जाएंगी। तो उन सबको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, पेशेंट को क्या करते हैं, एंटी कोएगुलेंट थेरेपी पे लेते हैं अपन। पेशेंट को हम कहाँ लेते हैं, एंटी कोएगुलेंट थेरेपी के ऊपर लेते हैं। और एंटी कोएगुलेंट थेरेपी क्या करती है, ये जो स्टेसिस ऑफ ब्लड हो रहा है एट्रियम के अंदर, उसके अंदर क्लोटिंग नहीं होने देती है, उसके अंदर स्टेसिस के अंदर क्लोटिंग नहीं होने देती है। तो ये काम करती है हमारी एंटी कोएगुलेंट। तो इसीलिए हमें क्या करना है, एंटी कोएगुलेंट का यूज करना, और एंटी कोएगुलेंट का यूज करके हमें क्या करना है स्टूडेंट,
ब्लड के स्टेसिस के दौरान जो कोयागुलेशन प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को हमें स्टॉप करना है, और हमें क्या करना है उस ब्लड को क्लोट होने से क्या करना है, बचाना है। ठीक है, ये हमारा मेन प्राइमरी फंक्शन हो जाएगा ड्यूरिंग द एट्रियल फिल्टर। ठीक है, अब क्या करना है, अब देखो यहाँ पे सवाल आ जाते हैं जो मतलब थोड़ा सा अपनी एसोसिएटिव या कोरिलेटेड करेंगी स्टडी को। एंटीकोएगुलेंट थेरेपी की बात करता हूँ मैं, ठीक है, एंटीकोएगुलेंट थेरेपी की अगर मैं बात करूँ आप लोगों के साथ, तो एंटीकोएगुलेंट थेरेपी के अंदर मोस्ट कॉमनली क्या यूज किए जाते हैं, हिपेरिन और वारफेरिन यूज किए जाते हैं। हिपेरिन है वो आईवी एंड सबक्यूटेनियस रूट से लगता है, और वारफेरिन क्या होता है, ओरली दिया जाता है। वारफेरिन कैसे दिया जाता है स्टूडेंट, ओरली दिया जाता है। ठीक है, दूसरी बात, जब किसी इंडिविजुअल पेशेंट को हिपेरिन चल रहा होता है तो हिपेरिन थेरेपी की इफेक्टिवनेस को चेक करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है बताइएगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ठीक है, हिपेरिन थेरेपी की इफेक्टिवनेस को चेक करने के लिए किया जाता है एपीटीटी, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। क्या किया जाता है, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, ये टेस्ट किया जाता है। ठीक है, और वारफेरिन की इफेक्टिवनेस को चेक करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है स्टूडेंट, वारफेरिन की इफेक्टिवनेस को चेक करने के लिए टेस्ट किया जाता है आपका पीटीआईएनआर की फुल फॉर्म इंटरनेशनल नॉर्मलाइज रेशियो, इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो, ये टेस्ट है वो किया जाता है 0.8 से लेकर के 1.1 इसकी क्या रहती है स्टूडेंट्स, नॉर्मल वैल्यू रहती है। एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम की जो नॉर्मल वैल्यू है वो रहती है आपकी 28 से लेकर के कितनी होती है 40 सेकेंड, ये इनकी क्या है नॉर्मल वैल्यू है स्टूडेंट। जब भी पेरिन थेरेपी चल रही है इन चीज़ों का हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, हमें कंटिन्यूसली पेशेंट का एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम टेस्ट है वो कंडक्ट करना है, ताकि हम ये देख सके कि हिपेरिन है वो इफेक्टिव है कि नहीं है। जब भी हिपेरिन चल रहा है उस समय ध्यान रखने की बात ये है कि ये जो अब जो नॉर्मल वैल्यू है वो 3 times बढ़ जानी चाहिए, 3 times more मतलब 3 times हो जानी चाहिए। 3 times होने का मतलब है ये जो आपकी वैल्यू है अगर आप हिपेरिन दे रहे हो उस समय आपके पेशेंट का एपीटीटी अगर 80-90 seconds के आसपास आ रहा है तो इसका मतलब आपकी जो थेरेपी है वो इफेक्टिवनेस है। बट द रिस्क ऑफ ब्लीडिंग यहाँ पे क्या हो सकता है, पेशेंट को रिस्क ऑफ ब्लीडिंग है, तो हमें क्या करना है, क्लोज मॉनिटरिंग रखनी है कि हमारे पेशेंट को इंटरनली किसी ऑर्गन से ब्लीड ना हो जाए। तो ये चीज हमें क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। और हिपेरिन की अगर टॉक्सिसिटी हो जाती है तो हमें कौन सा क्या देना है, एंटीडोट ऑफ हिपेरिन। यहाँ पे मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूँ हिपेरिन का एंटीडोट क्या होता है, हिपेरिन का एंटीडोट होता है स्टूडेंट प्रोटामाइन सल्फेट। क्या होता है, प्रोटामाइन सल्फेट। और वारफेरिन का एंटीडोट कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम होता है। ठीक है स्टूडेंट जी, ध्यान रखिएगा। आई होप आप लोगों को मेरे द्वारा प्रोवाइड किया गया ये जो थोड़ी सी रामायण जैसा लगा होगा आप लोगों को, बट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि हिपेरिन है वो मोस्ट कॉमनली हॉस्पिटल सेटिंग्स के अंदर, क्लिनिकल सेटिंग्स के अंदर एक एंटीकोएगुलेंट के रूप में काम में लिया जाता है, और इसकी नॉर्मल वैल्यू साथ के साथ इसकी जो इफेक्टिवनेस है उसका पता हमें होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वार्ड में जब किसी पेशेंट को हिपेरिन चल रहा होता है तो हो सकता है कि कभी कोई नोटिस करना भूल जाए कि उसकी पेशेंट की इफेक्टिवनेस चेक करें, उस एपीटीटी टेस्ट की रिजल्ट उसको चेक करें
एज ए नर्सिंग ऑफिसर ये हमारी प्रायर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर ऐसा कोई केस है तो हमें उसको क्या करना है, बहुत ही क्लोजली मॉनिटर करना है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है, ठीक है, एट्रियल फिब्रिलेशन के मैनेजमेंट का नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है एंटी अरेदमिक ड्रग, एंटी अरेदमिक जो ड्रग है एमनियोडेरियोन जैसे, एमनियोडेरियोन ड्रग है वो हमें क्या करनी है, यूज करनी है ताकि हार्ट की रिदम है उसको हम क्या कर सकें, वापस से सिंक्रोनाइज कर सकें, वापस से उसको नॉर्मल रिदम में लेकर के आ सकें। तो वो काम हमें क्या करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंटली हमें क्या करना है, मोस्ट कॉमनली हमें क्या करना है, एंटी अरिदमिक ड्रग का उनका एडमिनिस्टर एज पर डॉक्टर्स एडवाइज, एज पर हेल्थ केयर प्रोवाइडर हमें उनका एडमिनिस्ट्रेशन क्या करना है, करना है। नेक्स्ट है कि एट्रियल फल्टर के अंदर, एट्रियल फिब्रिलेशन के अंदर जो ईसीजी के अंदर चेंजेज आ रहे हैं वो आप लोग यहाँ पे इमेज बेस्ड क्वेश्चन के थ्रू आप लोग इजीली देख सकते हो, एंड दिस इज द एट्रियल फिब्रिलेशन। ये क्या है, एट्रियल फिब्रिलेशन है। ठीक है, एट्रियल फिब्रिलेशन के अंदर यहाँ पे कोई भी वेव है वो कंप्लीट नहीं बन रही। देखो नॉर्मली आप लोग देखते होंगे इस प्रकार से कुछ पी वेव बनती है, फिर यूं जाके यूं आपकी दूसरी वेव बनती है, फिर ये यूं ऐसे बनता है कुछ, तो पी क्यू आर एस टी ऐसे बनती है। बट आप ऊपर वाली जो ब्लैक वाली सीजी है उसके अंदर आप देखोगे कि पी का पता चल रहा है, ना क्यू का पता चल रहा है, ना एस का ना टी का। ठीक है, अगर हम एक आइडिया लगाएं तो ये देखो ये हो गई पी, यहाँ पे इन्वर्जन हो रहा है पी वेव का। ठीक है, यहाँ क्यू आर एस टी वेव का वापस से इन्वर्जन दिखाया जा रहा है, फिर पी कहाँ शुरू हुई पता ही नहीं चल रहा है। तो ये क्या है, एट्रियल फिब्रिलेशन की ईसीजी है। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, इमेज बेस एड करने का यही मेरा पर्पज है कि अगर एग्जामिनर आपसे इमेज पूछ ले, आपको इमेज दे के आपको क्वेश्चन पूछ ले, तो आप उस क्वेश्चन को गलत ना करें, उसको आप सही करके अपने जो सपना है नर्सिंग ऑफिसर उसको आप साकार कर सकें। नेक्स्ट वन है वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। तो वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया नाम से ही पता चल रहा है, वेंट्रिकुलर का मतलब है वेंट्रिकल्स ऑफ द हार्ट, वेंट्रिकल्स ऑफ हार्ट। और टैकीकार्डिया का मीनिंग है मोर देन 100 बीट, मोर देन 100 बीट पर मिनट। ठीक है स्टूडेंट, मोर देन 100 बीट पर मिनट। तो वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, वेंट्रिकुलर वीटी, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया इज अ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होता है। इसके अंदर क्या होता है, जो हार्ट के लोअर चैम्बर जिनको हम क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल्स बोलते हैं, और वो बहुत तेज गति से क्या कर रहे हैं, बीट करना शुरू कर देते हैं, कॉन्ट्रैक्शन करना शुरू कर देते हैं। उनके अंदर बहुत ही स्पीडली कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो ब्लड जो हार्ट है वो जो ऑक्सीजन डिमांड है बॉडी की उसको कंप्लीट नहीं कर पा रहा है। ठीक है, ऑक्सीजन डिमांड है वो कंप्लीट क्यों नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वेंट्रिकल्स क्या हो रहे हैं, पूरा फिलअप होने से पहले ही कॉन्ट्रैक्ट कर जा रहे हैं, तो उनके अंदर ब्लड दोबारा से आ नहीं रहा है। तो अब आगे अगर पूरे नहीं भरेंगे वो वेंट्रिकल्स, अगर फुल्ली नहीं फिलअप हो पाएंगे, तो उस कंडीशन के अंदर जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, इनफ ब्लड नहीं जाएगा उनके अंदर, और इनफ ब्लड नहीं जाएगा तो क्या होगा, उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, वहां पर आप लोग देखोगे स्टूडेंट की जो ऑक्सीजन डिमांड ऑफ बॉडी है वो क्या नहीं हो पाएगी, फुलफिल नहीं हो पाती है। अब इस कंडीशन के अंदर जो वेंट्रिकुलर की जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है, यानी कि जो बीट की स्पीडअप है या बीट का जो काउंट है वो कहाँ तक चला जाता है, 100 to 220 बीट पर मिनट, 100 to 220 बीट पर मिनट, 100 to 220 बीट पर मिनट, मतलब 100 से 200 बीट पर मिनट तक कंडीशन है वो चली जाती है। वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया जब भी आप लोगों को अपने वार्ड के अंदर देखने के लिए मिले, अगर आप डायग्नोस कर पाओ उसको, तो उस कंडीशन के अंदर हमें क्या करना है, सबसे पहले उसकी पल्स चेक करनी है इंडिविजुअल की। अगर वहां पर आपको पल्स है वो अब्सेंट मिल रही है, अगर आपको पल्स अब्सेंट मिल रही है स्टूडेंट, तो आपको क्या करना है, अगर हमें पल्स अब्सेंट मिल रही है तो उस कंडीशन के अंदर हमें क्या करना है, इमीडिएटली हमें सीपीआर स्टार्ट कर देना है। सीपीआर मतलब कार्डियो पल्मोनरी
रिससिटेशन, ठीक है। क्या नाम होता है सीपीआर का? कार्डियो पल्मोनरी, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। पुराने टाइम में इसके अंदर हम जो मैन्यूवर था वो क्या यूज करते थे? ABC, एयरवे ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन, सीपीआर के टाइम में। लेकिन आज के टाइम में है कैब, CAB, ठीक है। न्यूअर कॉन्सेप्ट किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू अमेरिकन सोसाइटी ऑफ, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ हार्ट, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। तो हमें ये ध्यान रखना है कि अगर किसी वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया हमारे पेशेंट को वार्ड के अंदर होता है, ठीक है, तो उस कंडीशन के अंदर हमें क्या करना है? सबसे पहले उसकी पल्स चेक करनी है। अगर पल्स प्रेजेंट है तो ठीक है, नहीं प्रेजेंट है तो हमें क्या करना है? इमीडिएटली हमें सीपीआर है वो क्या कर देना है? स्टार्ट कर देना है। सीपीआर स्टार्ट करने के साथ साथ हमें क्या करना है? एपिनेफ्रिन, कौन कौन सी ड्रग्स देनी है याद रखना है। एपिनेफ्रिन है, लिडोकेन है, ठीक है, मैग्नीशियम है, वैसोप्रेसिन है और एमनियोडेरियोन है। ये ड्रग्स है वो हम पेशेंट के अंदर एडमिनिस्टर करते हैं एज पर हेल्थ केयर प्रोवाइडर एडवाइस या फिर एज पर डॉक्टर के एडवाइस। डॉक्टर की एडवाइस के अकॉर्डिंग हमें ये सारी मेडिकेशंस हैं वो पेशेंट के अंदर एडमिनिस्टर करनी होती हैं, ताकि हम पेशेंट के वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया की जो कंडीशन है उसको हम क्या कर पाएँ? कंट्रोल कर पाए। तो ये है इसके बारे में, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया के बारे में। आई होप आप लोगों को क्लासेस समझ में आ रही होंगी। किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूंगा। ये देखो, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया की कंडीशन के अंदर ईसीजी और नॉर्मल ईसीजी दोनों मैंने एक साथ लगाई हुई है यहाँ पे, ठीक है। इमेज बेस्ड क्वेश्चन ऐड करने का यहाँ पे मेरा पर्पज स्टूडेंट इतना सा ही है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए, और जब भी कभी आप लोगों को अगर कोई इमेज बेस्ड क्वेश्चन पूछे तो आप उसका सटीक आंसर कर पाओ, गलत होने के चांसेस बिल्कुल नगण्य करने अपने को, ठीक है। तो नॉर्मल ईसीजी में देखो स्टूडेंट, नॉर्मल ईसीजी के अंदर आप देखोगे तो ये है अपना पी क्यू आर एस टी, फिर पी क्यू आर एस टी, ये नॉर्मल ईसीजी है। अब है इसमें देखो, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया की कंडीशन है, यहाँ पे मोनोमेरिक मोनोमॉर्फिक मोनोमॉर्फिक वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, मतलब वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया है। इसमें मुझे तो पी क्यू आर एस टी कहीं नजर नहीं आ रहा है, इस ईसीजी के अंदर मुझे तो कहीं भी पी क्यू आर एस टी नजर नहीं आ रहा है स्टूडेंट्स। तो हमें इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है, ये वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया की कंडीशन के अंदर क्या ध्यान रखना है। पल्स प्रेजेंट है तो कोई दिक्कत नहीं है, पल्स प्रेजेंट है तो और मैनेजमेंट मेडिकल मैनेजमेंट हम करेंगे। लेकिन अगर पल्स प्रेजेंट नहीं है तो उस कंडीशन के अंदर हमें क्या करना है? इमीडिएटली हमें सीपीआर स्टार्ट करना है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर को हमें इन्फॉर्म करना है। एपिनेफ्रिन है, लिडोकेन है, ठीक है, मैग्नीशियम है, ठीक है, एमनोडेरियोन है, वो सारी ड्रग्स है वो क्या करनी है हमें एडमिनिस्टर करनी है, ताकि पेशेंट के वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया को हम क्या कर सकें? मैनेज कर सकें। दोनों के अंदर ईसीजी चेंजेज है तो देख लो, ऊपर वाली नॉर्मल ईसीजी है उसके अंदर आप लोगों को आप लोग इजीली आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि पी वेव कहाँ है, पी क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स कहाँ बन रहा है, टी वेव कहाँ है, फिर से पी वेव कहाँ है, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स कहाँ है, टी वेव कहाँ बन रही है, ये आप इजीली आइडेंटिफाई कर पा रहे हो। बट इन मोनोमॉर्फिक वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया देखोगे आप कि आपको भी नहीं दिखाई दे रहा, और मुझे तो बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ से, कि मैं तो बिल्कुल भी आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा हूँ कि यहाँ पे पी क्यू आर एस कहाँ बन रही है, पी कहाँ है, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स कहाँ है, टी वेव कहाँ है। तो ये सारी कंडीशन है, ये सारी जो ईसीजी है वो है आपके वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया की। ध्यान से देखिएगा, अगर ऐसा आपको कहीं इमेज इमेज बेस्ड क्वेश्चन के अंदर आपके नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन में अगर आपको देखने को मिलता है तो आप उसको सही क्लिक करिएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, आज की क्लास में इतना ही। आई होप मेरे द्वारा प्रोवाइड की जा रही क्रैश कोर्स की क्लासें आपकी नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन की जो प्रिपरेशन है उसको और भी अच्छा बना रही होंगी। प्लीज़ कंसिडर, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।